वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो अनबॉक्सिंग के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेसर जो मैंने मंगवाया था वो अनबॉक्स किया है या नहीं, आई थिंक अपलोड किया या नहीं, लेकिन मैं उस अनबॉक्सिंग को, उस प्रोसेसर को Z800 के अंदर अपग्रेड करने लगा हूँ, तो ये वीडियो सिर्फ उस बारे में है। आई होप यू लाइक द वीडियो, जस्ट वॉच द वीडियो एंड देन आफ्टर दैट प्लीज सब्सक्राइब इट, क्योंकि हमारे सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। मैंने कुछ हिस्सा इसका पहले खोल लिया हुआ है और कुछ हिस्सा मैं अभी आपको सामने खोलने लगा हूँ, तो इस स्लाइड को बंद कर लेते हैं ताकि आपको रिजल्ट सही आए। ये रहे दो फैन जिसके नीचे प्रोसेसर है। हमें टूल किट चाहिए इसमें से, सॉरी। ये चलेगा। सो अब मैं बड़ा ही बारीकी का काम करने लगा हूँ, तो सुनिएगा। और मेरे ख्याल से ये एक हाथ से नहीं होने वाला। सॉरी, ये चारों ग्रूव्स खोल के फिर मैं आपको मिलता हूँ। कोशिश करते हैं पहले ताकि वीडियो में आपको थोड़ा बहुत आ जाए। पहला ये, दूसरा सोचना ये किसी किस्म की अनबॉक्सिंग नहीं है, ये भी एक किस्म की अनबॉक्सिंग ही होती है। तो ये है प्रोसेसर नन्ना मन्ना सा, इसको ऐसे करेंगे करेंगे। ये है प्रोसेसर, यस। सो ऑलरेडी इसके अंदर ये प्रोसेसर था और ये मेरे ख्याल से पुराने वाला उन्होंने मुझे दी थी। चलो मैं इसके अंदर वही लगाता हूँ जो इसके अंदर था, मैं इसकी कहानी बाद में सुनाऊंगा। बस ये वाला प्रोसेसर है, चलो इसको पहले उठाते हैं और उसके अंदर फिट करते हैं। मेक श्योर कि यार ये जो ग्रूव्स हैं ना ये वाले साइड पे, इनको बड़े ध्यान से डालना है, तो मैं इसको एक दफ़ा ऐसे फेंक देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी सेटिंग कर लूँगा। आई थिंक हो गई है। चलो मैं उसको बंद करके प्रोसेसर को वापस लगा के फिर मैं इसको खोलता हूँ। ये कुछ ऐसे होता है, तो इसको आराम से चारों तरफ देखकर ऐसे करके ये इसके ऊपर हीट सिंक ऐसे फेंकना है, तो बी वेरी केयरफुल वॉट एवर द डिवाइस यू हैव। ये अब इसके ग्रूव्स को मैं कसने लगा हूँ, बस अब इसको सिर्फ टाइट करना है। इट्स वेरी हार्ड कि एक साइड से कैमरा पकड़ो और दूसरी साइड से वीडियो बनाओ, तो लेट मी फिनिश दिस। आ गई अब दूसरे प्रोसेसर की, फाइनली पंखा उतर गया, कूलिंग सॉरी। तो अब इसको लिटल चंपी को बाहर निकालने की देरी है बस, ठीक है। ये ग्रूव्स का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका प्रोसेसर और मदरबोर्ड दोनों तबाह हो सकते हैं। फाइनली मैंने दूसरे वाला प्रोसेसर भी लगा दिया। ये मेक श्योर करना है कि ये सही फिट बैठा है, क्योंकि अगर ये मेक श्योर नहीं ना हो तो मेरी जान आप फिट बैठ जाओगे फिर।
दोनों मशीन में फिर चलेंगे। ये बेसिकली दो प्रोसेसर हैं तो इसलिए ज़्यादा मुझे टाइम लग रहा है। मेक श्योर दैट कि ये करेक्टली बैठा है कि नहीं। यस आई थिंक सो। ठीक है, इसको इसके अंदर कर देना। डन। चलो जी, अब इस फैन को इस पे फिट करते हैं एंड बूम। चलो जी, ये तैयार है दोनों प्रोसेसर्स के साथ। इसको बूट करते हैं और देखते हैं कि दोनों प्रोसेसर अंदर शो होते हैं या मैंने इसकी खटिया उधेड़ दिया है। सो ये मैं केबल लगा रहा हूँ HDMI अपना हिसाब पे। इसको यहाँ से ऑन करते हैं। अभी तक तो सब कुछ सही सलामत है भाई। इसको यहाँ से इसको फाइनली बूट हो गया। बूट हो गया। बस ये डिस्प्ले आना चाहिए था। आई एम हैप्पी इंजीनियर। यार ये दो प्रोसेसर लग गए हैं। अब इसको पैक करते हैं और पैक करने के बाद इसको नीचे रखते हैं। वो दो जो प्रोसेसर आए थे उनको वापस करते हैं। वो मुझे नहीं चाहिए थे। मेरे ख्याल से AliExpress से जो मैंने ऑर्डर किए हैं उनको देखता हूँ। अब हुआ ये है कि मुझे लगता है कि मैंने 56X6090 ऑर्डर किया था। No, sorry, 5690 ऑर्डर किया था, लेकिन मेरे ख्याल से वो आया नहीं है। तो अब सीन ये है, सीन तो बनता कुछ और ही है। एक सेकेंड यार, ये जो USB है ना, ये लगाना मुझे अजाब लगता है भाई साहब। अंदर चले जाओ। ओके, सो अब हुआ ये है कि यार अब ये हुआ ही है कि मुझे लगता है कि यहाँ तो AliExpress ने प्रोडक्ट गलत भेजा है। और अगर उन्होंने प्रोडक्ट गलत नहीं भेजा तो कल रात को हम कुछ पंगे ले रहे थे अपने PCs के साथ। और अगर उन PCs के साथ वाली वीडियो तुमने नहीं देखी हुई तो मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर उस वीडियो को देखो ताकि तुम्हें पता चले। हमने वो 5 PC मंगवाए थे, उनकी आहिस्ता आहिस्ता मैं प्रोडक्ट्स जो है वो मंगवा कर उसके अंदर फिट कर रहा हूँ ताकि मुझे असेंबलिंग भी आए और मुझे पता चले कि यार ये चीज़ें कैसे चलती हैं। तो हुआ यह है कि मैंने 5690 जो है ना, इसके साथ Z800 के साथ सपोर्ट करता है प्रोसेसर, और वो अच्छा प्रोसेसर भी था, तो मैंने वो मंगवा लिया। अब मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी में ना कुछ हड़बड़ी सी हो गई है, मैंने कहीं वो प्रोसेसर मिक्सअप कर दिए। अब वो मैंने जब यहाँ पे लगाए, पहले तो उधर चल नहीं रहे थे, वो एक लंबी कहानी है, वो मैं किसी और टाइम बताऊंगा कि वो क्यों नहीं चल रहे। लेकिन अब यहाँ पे वो मैं प्रोसेसर लेकर आया था क्योंकि इसका BIOS अपडेटेड है, और मैंने वहाँ पे यहाँ पे वो प्रोसेसर लगाए लेकिन वो लगे नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो वाले प्रोसेसर जो मैं लेकर आया था वो लग गए, और जब मैंने बूट किया तो वो 5087 निकले हैं। तो अब मैंने 90 मंगवाए हुए थे, 87 निकल आए हैं। तो अब या तो प्रोडक्ट गलत है या मेरे से मैस्ड अप हो गया। तो मैं किसी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा थे कि ये सीन क्या है। फाइनली 2 सॉकेट्स आ गई हैं, ठीक है। 8 कोर्स हो गए हैं, 16 वो हो गए हैं और 24 MB कैचे हो गए हैं। तो 3.5 को मतलब के 5687 प्रोसेसर। अब ये दोनों प्रोसेसर सेम कैसे हो सकते हैं भाई, जो मैंने इसके अंदर डाला है ये और ये सेम कैसे हो सकता है। अब ये सेम हो गया तो दैट्स मीन कोई ना कोई मैंने खड़बड़ी मारी है। तो अब देखते हैं यार उसको क्या फिक्स करते हैं, क्योंकि दोनों प्रोसेसर सेम है। मैंने हालांकि 5690 मंगवाया था तो ये 5687 है। तो देखते हैं यार इसको क्या करते हैं। लेट्स पैक दिस अप और इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं।
फाइनली यार आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस तरह की वीडियो बनाने में मेहनत भी थोड़ी लगती है तो एडिटिंग भी लगती है, तो आई होप यू लाइक इट। इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और दूसरों को भी दिखाओ इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगले कॉन्टेंट के लिए मुझे विश मी लक, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।